नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वरुण गांधी ने एक बार भी पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा मुफ्त राशन बांटने के मामले में हमला बोला है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे थे। वरुण गांधी ने दौरे के दौरान बीसलपुर तहसील क्षेत्र में कई जनसभाओं को संबोधित किया। मझगवा गांव में वरुण गांधी ने जनता से संवाद करते हुए कहा कि आम आदमी के लिए देश में न तो लोन उपलब्ध है और न ही नौकरियां। मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या होगा उनके लिए? उनके घर की कुर्की होगी, उनका अपमान होगा, उनके संपत्ति की नीलामी होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? मैं पूछना चाह रहा हूं तो क्या इसका इलाज क्या होगा? केवल नारा देके होगा, जय श्री राम, भारत माता की जय, हो गया सब काम? मैं भारत माता को अपनी मां मानता हूं और मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं से हर व्यक्ति ग्रसित है, क्या उनका हल नारे से केवल होगा या उनका हल नीतिगत सुधार से होगा? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? सब हाथ उठे हुए हैं, सबके सब समझ रहे हैं। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, हर नौकरी आज संविदा पे दी जा रही है, हर नई नौकरी संविदा पे। यहां संविदा कर्मी मेरे बैठे हैं, आशा बहू, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, सब खून के आंसू रो रहे हैं। सालों से उनका मानदेय नहीं बढ़ा, सालों से उनका स्थायीकरण नहीं हुआ। काम पूरा लिया जाता है, मान सम्मान स्थायित्व तो कुछ है नहीं। जब अग्निवीर योजना आई, वरुण गांधी ने खुल्लम खुल्ला उसका विरोध किया। क्यों किया? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके साथ गांव में से कोई लड़का सैनिक बन के जाता है और देश की रक्षा सरहद पे करता है, क्या पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि नहीं है? अगर और अग्निवीर में क्या है कि 40% लोगों को 5 साल के बाद निकाला जाएगा। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूं आपसे, जब वो लड़का 4 साल के बाद निकाला जाएगा, वापस आएगा और वो आर्मी के वर्दी पहन के आएगा और वो स्कूल में बर्तन मांजेगा, नाली साफ करेगा, तो क्या ये पूरे सेना का अपमान है कि नहीं है? क्या ये सेना के मनोबल पे ये असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बाकी लोग नहीं कहेंगे हम मरने के लिए यहाँ अपने परिवार से दूर 1000 किलोमीटर क्यों खड़े हैं यहाँ पे, हमको भी निकाल के बर्तन मंजवाओगे? देश चलाना कोई मजाक नहीं है, संवेदनशील और गहरा काम है। वरुण गांधी राजनीति में नहीं आया है अपने नाम के लिए, वरुण गांधी राजनीति में आया है कि आम आदमी का हिस्सा जो छीना जा रहा है, आम आदमी के लिए जो आदमी आज नहीं बोल रहा, मौन बन गए सब नेता, मौनी बाबा बन गए, मीठा बोलो भैया, आगे चलो। अभी तक का सफर करते हैं समाप्त, विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश मिलती है लोग, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना घटित हुई है और आप उसे भी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।